Hello and welcome again to my YouTube channel Science Tano Classes. आज के क्लास में हम शॉर्ट वॉवल साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने लॉन्ग वॉवल साउंड्स के बारे में पढ़ा था, जो कि डार्क डॉट एंड डार्क डैशेस से रिप्रेजेंट होते हैं. शॉर्ट वॉवल साउंड्स 6 होते हैं, जिनमें से 3 लाइट डॉट्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं एंड 3 जो है वो लाइट डैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. लाइट डॉट्स वाले ए ई आई एंड लाइट डैशेस के ओ यू एंड डबल ओ. इसको इजीली समझने के लिए, लर्निंग के लिए इसके नेम्स दिए गए हैं, जिस तरह से लॉन्ग वॉवल साउंड्स के पा में भी ऑल गो टू थे, इसके दैट के लिए ए के लिए दैट, पेन, आई के लिए इज, ओ के लिए नॉट, यू के लिए मच, डबल ओ के लिए गुड. दैट पेन इज नॉट मच गुड. इनको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइट डॉट्स से किया जाता है, और ये लाइट डैश वाले हैं तो इनको लाइट डैश से किया जाता है रिप्रेजेंट. प्लेसेस सेम वैसे ही किए जाएंगे यूज, जैसे कि लॉन्ग वॉवल साउंड्स में किए गए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. स्टूडेंट्स, लॉन्ग वॉवल साउंड्स और शॉर्ट वॉवल साउंड्स जो हैं उनमें केवल इतना डिफरेंस है कि उनमें डार्क डॉट एंड डार्क डैशेस यूज़ किए जाते हैं, और इसमें डार्क लाइट डॉट्स एंड लाइट डैशेस यूज़ किए जाते हैं. इनको समझने के लिए हमें वर्ड की प्रोनंसिएशन के साथ में वर्ड की स्पेलिंग का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट लाइट डॉट का जो ये है ए, इसके एग्जाम्पल्स फर्स्ट नंबर पर हैं. अब प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग दोनों का यूज इसमें है. इसको देखिए, दैट ए भी आया है और दैट, पैक, लैक, हैश, मैश, ए का साउंड आएगा, ए साउंड करेगा. तो देखिए, पैक लिखना है अगर हमें तो हम लिखेंगे पे, पैक. लाइट डॉट लगा दिया, फर्स्ट प्लेस का है वॉवल, लाइट डॉट है सो अबव द लाइन रहेगा. एंड अब आता है लैक, फर्स्ट प्लेस लैक, हैश एच एस एच, लाइट डॉट फर्स्ट प्लेस पर एच के. फिर आता है मैश, उसके बाद सेकंड प्लेस का ई का वॉवल, लाइट डॉट. जिस भी वर्ड में ई आता है और प्रोनंसिएशन इस तरह से होता है, पेन, डेन, डेल, चेक, इस टाइप से, तब आप ई का वॉवल ये रिप्रेजेंट करेंगे उस जगह पर. सेकंड प्लेस पर होगा ये वॉवल, डे ल, 1 2 सेकंड प्लेस. उसके बाद आता है चेक, चेक, सेकेंड प्लेस. फिर आता है रेड, लेड. उसके बाद थर्ड जो है आई का वॉवल है, छोटी ई से, छोटी ई को रिप्रेजेंट करेगा ये, जैसे कि इज, इल, फिल, मिल, किल, इस तरह से प्रोनंसिएशन से आप समझिए इसको, इल. अब इसमें डबल एल मेंशन किया है, लेकिन बोलने में जो, यानी प्रोनंसिएशन में जो आ रहा है इल, वन सिंगल आ रहा है एल, तो हम सिंगल एल को रिप्रेजेंट करेंगे. 1 2 एंड 3 थर्ड प्लेस का लाइट डॉट है ए ल. उसके बाद आता है फिल, फिर आता है मिल. थर्ड प्लेस का रूल तो आपको याद ही होगा कि
जिस स्ट्रोक के आफ्टर कोई थर्ड प्लेस का वॉवल आता है तो उस स्ट्रोक के नेक्स्ट स्ट्रोक के बिफोर थर्ड प्लेस पर लगाते हैं, 1, 2 एंड 3। मीन्स ज्वाइंट स्ट्रोक उसका जो होता है उसके बिफोर थर्ड प्लेस पर लगा देते हैं। उसी तरह से करेंगे किल। थ्री लाइट डॉट्स के जो वॉवल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आता है लाइट डैश का। ओ नॉट को रिप्रेजेंट कर, नॉट ये साउंड करेगा ओ को, नॉट रॉड रॉक मॉक शॉक इस टाइप से। अब देखिए ये जो है ये फर्स्ट प्लेस का है नॉट, तो हम इसको लाइन से अबव रखेंगे। रॉड रॉक मॉक एंड शॉक। उसके बाद आता है सेकंड प्लेस का वॉवल यू का। इसका प्रोनंसिएशन क्या होगा, अ मच टच लंच मच एंड सन। टच सेकंड प्लेस का है सो ऑन द लाइन रहेगा, लाइट डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा सेकंड प्लेस पर, 1, 2। लंच ल न च सेकंड प्लेस का वॉवल, मच सन उसके बाद लास्ट आता है थर्ड थर्ड प्लेस का वॉवल डबल ओ जो कि गुड छोटे ऊ को साउंड करेगा, गुड लुक शुक टुक एंड बुक। अब इसके लिए ये थर्ड प्लेस का वॉवल है सो दैट हम लाइन से कट करेंगे इसको, लुक 1, 2 एंड थर्ड प्लेस बिफोर द स्ट्रोक, शुक टुक एंड बुक। सो आज का क्लास कंप्लीट हो चुका है। गुड लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।